हेलो एवरी वन माईने मे अभिषेक सिंह यू आर सिक्स पैक प्रोग्राम और ये रिएक्ट जी एस की प्ले लिस्ट का अनादर पार्ट है इसमें हम देखने वाले हैं रिएक्ट हुक्स इसमें हम देखेंगे यूज स्टेट यूज इफेक्ट एंड यूज़ कॉन्टैक्स एंड अनादर वन यूज रेफ सो so, बिना टाइम वेस्ट कि सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, देखो मैंने सर्वा वगैरह सब चला लिया एंड फालतू की सारी फाइल डिलीट एंड हमारी नीड सी एकदम रिएक्ट की मस्त आप बन गई जिसमें डिव है अंदर होम कॉम्पोनेंट एंड होम के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसमें होम लिखा हुआ सिंपली एंड सी एस ए की कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज़ मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो फोन टू आर एम एंड फोन फैमिली ये कर दी सो so, अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा दिख रहा ठीक है ना स्टार्टिंग में मैं सीधा तुम्हें यूज़ स्टेट ही दिखाने वाला हूँ सो फॉर दैट इम्पोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट अच्छा अभी इम्पोर्ट कर लिया पहले बिना इसके करके दिखाता दो जो मैं पॉइंट दिखाना चाहता हूँ अगर मैं एक बटन बनाता हूँ जिसमें मैंने लिखा ऐड कॉपी करके नीचे एक और जिसमें लिखा मैंने माइनस या सब्जेक्ट कुछ भी लिख दो राइट right, सो so, अगर मैं सेव करूँ तो देखो कैसा दिखेगा एड और माइनस ठीक है इनके बीच में एक मैं पी टैग लगा देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ लेफ्ट से दो ठीक है सो ऑल आई एट टू डू की जब ऐड करूँ तो इंक्रीज़ हो माइनस करूँ तो डिक्रीज हो ठीक है सो फॉर दैट यहाँ पर भी टू है मैं एक अपना कॉन्ट वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए इज इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग में ज़ीरो मान लिया अब ए की बजाय टू की बजाय मैं ए पास कर दूँगा बेसिकली ठीक है बस और यहाँ ऑन क्लिक देना है तो ऑन क्लिक में फंक्शन दूंगा मैं ऐड या इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे दूंगा डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड यहाँ ऐसे ही फंक्शन में आ लूँगा कौन इंक्रीमेंट जो कि करेगा कि सिंपली ए इज इक्वल टू ए प्लस वन ये कर देगा एंड डिक्रीमेंट इसका उल्टा करेगा बेसिकली माइनस करेगा इतनी बेसिक सी चीज़ है ये हमारी जो चाहिए था एग्जैक्ट वो रिज़ल्ट मिल गया पर ये काम करेगा कि नहीं देखते हैं सो इनिशियली जीरो रखा जीरो ग्यारह ऐड करूँगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा इससे माइनस करने पर भी कुछ नहीं हो रहा ऐसा क्यों और साथ में क्या करता हूँ कि कौन सो और कर देता हूँ ए को ए को यहाँ एंड साथ में ए को यहाँ सो so, कौन सो भी कर दिया है साथ के साथ अब देखते हैं कौन सा खोला सो so, सही दिख रहा है ऐड करूँगा देखो ऐड हो चुका है कौन सौ लोगों हो जा रहा है माइनस करूँगा माइनस हो जा रहा है बट यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा ऐसा क्यों यही तो बात है और इसीलिए हमें यूज सेट चाहिए बेसिकली ये एक बार रेंडर हो चुका है सो so, ये बार बार रेंडर नहीं हो रहा चाहे इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसे तुम देखा इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो कौनसोल लोगों के तो दिख रहा बड़ी हुई जो दिख रही थी कौनसोल में ऐड करने पे बढ़ रही थी बट वो यहाँ दोबारा रीरेंडर नहीं हो रहा सो फॉर दैट वी हैव यूज स्टेट सो यूज स्टेट क्या होगा यूज स्टेट से जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसे बेसिकली जैसे ही उसकी वैल्यू अपडेट होगी जैसा कि इस केस में हो रहा है एक से कम हो रही है कि वैल्यू से एक से बढ़ रही है सो so, दोनों केसेस में जैसे ही वैल्यू अपडेट होगी ये सब रील अंडर होगा ये है बेसिकली सो फॉर यूजिंग यूज स्टेट और वी नीड टू डू दिस सबसे पहले यूज स्टेट एंड इसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमें इनिशियल वैल्यू रख रही है जो कि अभी की के केस में हमने ज़ीरो रखी थी ठीक है एंड ये एक एरर रिटर्न करता है सो so उसे डी स्ट्रक्चर करेंगे हम लाइक दिस अभी कन्फ्यूज़ ना हो तो ऐसे समझ लो बस ये हमने ऐसे बनाना है एंड जो भी हमारा वेरिएबल बढ़ता फॉर एग्जाम्पल अभी केस में था ए वो ऐसे एंड सेकेंड चीज़ होगी सेट ए कुछ भी नाम दे सकते हो तो ऐसा नहीं यही बट इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू बदल सकते हैं जब भी हमें बदलनी हो बस इतना करना है सो so अगर अब मैं करके दिखाऊं मुझे इसकी ए की वैल्यू ए से इंक्रीमेंट करनी थी सो so, मैं क्या करूँगा सेट ए को कॉल करूँगा फंक्शन है सेकंड वाला फंक्शन है फर्स्ट वाला वैल्यू है सो so, सेकंड वाले को मैं कॉल करूँगा एंड इसमें मुझे बेसिकली नई वैल्यू पास करनी है जो मैं चाहता हूँ ए की हो जाए सो so, मैं क्या चाहता हूँ ए की जो वैल्यू थी उसमें प्लस वन हो जाए यही तो चाहता हूँ एंड सेम नीचे बस यहाँ मैं चाहता हूँ माइनस हो जाए ठीक है एंड ए की स्टार्टिंग में वैल्यू हो वही जो मैंने यहाँ पास किया है कुछ नीचे का कुछ चेंज नहीं किया बस मैंने इतनी सी चीज़ चेंज किया अब मैं दिखाता हूँ ऐड करूँगा तो देखो क्या होगा अब साथ के साथ ये रेंडर हो रहा है समझ गए so, सो ये ये यूज स्टेट का, का काम कि जैसे ही ए की वैल्यू अपडेट हो जो भी यूज स्टेट से वेरिएबल बना बेसिकली उसकी स्टेट जैसे ही अपडेट हो हमारा कॉम्पोनेंट रि रेंडर होगा एग्जैक्टली exactly वो हुआ है इसलिए काम कर रहा है सो आई होप ये अच्छे से समझ में आएगा यूज स्टेट क्या होता है ठीक है और इसे और भी छोटा फंक्शन बनाना हो सो so, एक तो इसे कट करो एंड एक लाइन का कोड है मैंने कितनी बार बताया ऐसे लिख सकते हैं ये ये पावर एरो फंक्शन की सो so, एक एक लाइन में मैंने फंक्शन बना लिया और और भी अगर इसको छोटा करना है सो तो इसको कट करो यहाँ से सीधा यहाँ पेस्ट कर दो एंड सेम गोज फॉर दिस इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दो सेम एक्स्ट्रा लाइन ठीक है इतना सा हुआ है एंड वी विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट ये देखो ठीक है सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ यूज स्टेट ठीक है ना इसी एग्जाम्पल में कुछ चीज़ ऐड करते हुए मैं दिखाना चाहूँगा यूज़ इफेक्ट राइट सो so, इम्पोर्ट करते हैं ऊपर से यूज़ इफेक्ट आ गया हमारा ना अब मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट सो so, सबसे पहले तो यूज इफेक्ट है फंक्शन है राइट इसके अंदर अब ये चाहिए कॉल बैक फंक्शन सो मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया और इसके अंदर अगर मैं लिख दो तो, कौन सा लॉग शोइंग इफेक्ट ठीक है अब क्या होगा रिलोड करके दिखा पहले पेज खोल के दिखा था फिर देखना क्या होगा पेज रिलोड किया और शोइंग इफेक्ट दो बार आ गया ऐसा क्यों हुआ बेसिकली यूज इफेक्ट कब कब रन होगा जैसे ही ये कॉम्पोनेंट माउंट हो ये कॉम्पोनेंट जो है होम ये माउंट हो माउंट का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे लेआउट में ऐड हो फॉर एग्जाम्पल ये होम पेज है हम स्लैश पर गए स्लैश पर जाती ही कॉम्पोनेंट ऐड हो गया माउंट हो गया माउंट होते ही ये चलेगा ठीक है इसके अलावा कब चलेगा जैसे ही अपडेट होगा एंड वन मोर थिंक ये बात तो अभी तक जान ही गए होगी तुम कि जितने भी हुक्स हैं रिएक्ट हुक्स सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्पोनेंट के अंदर ही होने चाहिए मतलब ये नहीं कि मैं बाहर ला के यहाँ रख दूँ एरर आएगा नहीं कॉम्पोनेंट के अंदर रिटर्न से पहले ठीक है ना इसके बाद हम यहाँ एक एरे पास कर सकते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो कि होगी डिपेंडेंसी एरे बेसिकली इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि इनिशियली जैसे पहले काम कर रहा था चले गई लाइक फर्स्ट टाइम चल गया उसके बाद कब कब चलना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो मैं इसमें वेरिएबल्स पास करूँगा लेट्स से अभी ए है ए पास कर दिया बी हो होता बी पास कर देता सो इनिशियली स्टार्टिंग में तो चले गई एंड देन उसके बाद वन एवर ए और बी की वैल्यू बदलती है उस केस में भी अगेन चलेगा सो so, अभी ए या ए देते हैं मैंने क्या रिफ्रेश स्टार्टिंग में आ गया अब जब जब मैं ऐड दबाऊँगा सो so, तुम देख रहे हो ये आता जाएगा प्रिंट होता जाएगा ठीक है वो प्रिंट होता जा रहा है जैसे जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ हाँ मैं अगर नहीं देता हूँ खाली देता हूँ उसके बाद देखना उसके बाद ये आया उसके बाद जैसे ही ऐड दबाऊंगा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि डिपेंडेंसी की आ में कुछ है ही नहीं कि दोबारा कब चलाना है इसलिए कुछ हो ही नहीं रहा ठीक है अब अगर मैं इसको बैठा देता हूँ खाली रहने देता हूँ तो उसके बाद जैसा मैंने बताया अब ये इनिशियली तो आएगा उसके बाद अपडेट होने पर भी आएगा ये देखो अब भी आ रहा है जबकि मैंने डिपेंडेंसीज के अरे में ऐड नहीं किया मैंने एरे नहीं दी इसलिए हर बार रन हो रहा है जब भी कुछ भी अंदर अपडेट हो रहा है राइट right? बट अगर मैं मैनुअली चाहता हूँ कि सिर्फ इसके होने पे, फॉर एग्जांपल अगर एक और वेरिएबल हो तो बी सो अभी ए so की वैल्यू बदला बी की बदले हर बार रन होगा बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ए के उस पर रन हो ए की वैल्यू बदलने पे, तो ए पास कर सकते हैं ऐसे और तुम भी सोच रहे हो रीलोड करते दो बार क्यों आ जाता मैंने लिखा तो एक बार कौन सा लोग बेसिकली ये रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड है अगर मैं ये हटा देता हूँ धैन हमारे पास एक बार ही आएगा और बाकी सारी चीज़ें तो कम वैसी करेंगी राइट right, सो so ये टू टाइम्स रन करता है फॉर परफॉर्मेंस पर्पस राइट सो ऐसे आई होप समझ में आ गया यूज इफेक्ट अब एक चीज़ और बचिए इस यूज इफेक्ट के अंदर एक चीज़ है रिटर्न की वर्ड बेसिकली अगर मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ कोई फंक्शन लेट्स से रिटर्न ऊपर का कोड चलेगा इनिशियलाइज़ के बाद ही उसके बाद जो जो यहाँ डिपेंडेंसीज में रखूँगा उनके अपडेट होते ही फिर से चलेगा एंड ये जो रिटर्न के अंदर फंक्शन है ये जब चलेगा जैसे ही कॉम्पोनेट अनमाउंट होगा अनमाउंट का मतलब जैसे रिमूव होगा अभी के लिए समझ सकते हो अभी तुम्हें इतना डिटेल में समझ नहीं आएगा जब तक रिएक्ट लाइफ साइकिल नहीं आती है बट इसका टेस्ट केस ऐसे मान सकते हो कि अगर मान लो मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया किसी चीज़ के ऊपर किसी होम कॉम्पोनेंट के ऊपर मान लो इवेंट लिस्टनर लगाया जैसे वो अनमाउंट होता है कॉम्पेंट मैं नहीं चाहूँगा वो इवेंट लिसनर भी रहे मैं चाहूँगा वो रिमूव हो जाए इवेंट लिसनर भी राइट सो so, उस केस में काम आता है अभी के केस में अगर मैं ऐसी इसे यहाँ रखूँगा कौनसोल को क्योंकि कौनसोल लॉग भी फंक्शन ही है सो सेम रिज़ल्ट मिलेगा अभी तो इतना फ़र्क तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ है मैं रिलोड करता हूँ और अभी भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा राइट सो आई होप यूज इफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट सो यूज इफेक्ट बैठाते हैं एनाओस देखते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट सो so, उसके लिए जो मैंने पी पी तैयार किया है हमारा जो लास्ट नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड सबसे पहले हमारा ऐप कॉम्पोनेट था उसके अंदर होम था उसके अंदर रो था उसके अंदर कार्ड था रिमेंबर नाइस वर्क फ्लो अब जैसे मान लो मैंने होम में फैच किया था डेटा उसके बाद मैंने सीधा सर्टिसट का कर यूज़ करके इसको रो को पास किया उसके बाद कार्ड को पास किया जो कि लंबा प्रोसेस था बट इसके बजाय अगर मैं होम में बोल ऐप में मंगाता डेटा सारा उसके बाद ऐप से मुझे पास करना पड़ता होम में होम से इसमें रो से कार्ड में सो so, कितना बड़ा प्रोसीजर है वो टीम मैं ऐप में डेटा मंगाऊँ और इस ऐप के अंदर जितने भी कॉम्पोर्टेंट हैं चाहे ऐप के अंदर होम है होम के अंदर हो है कार्ड है डजन मैटर सौ भी हो मुझे एक एक करके पास ना करना पड़ेगा मैं डायरेक्ट कार्ड में ही एक्सेस कर सकूँ तो कैसा रहेगा राइट सो so, ये ये यूज़ कॉन्टैक्स सो अब देखते हैं यूज कॉन्टैक्ट सो मैंने देखो खाली कर दिया ये इसके बीच में मैं रखता हूँ डेटा नाम का वेरिएबल ऊपर से मैंने डेटा पास किया ठीक है अब इसमें मैं अगर डेटा पास करता हूँ सो नो सरप्राइज़ अभी मिल गया राइट एंड अगर मैं वैसे ही बनाता हूँ जैसे था रो एंड मैं रो में पास किया अब अगर मैं ऊपर रो बना लूँ अलग फाइल में रो बना लेता हूँ जो कि होगा डेटा ऊपर से एक्सेस कर लूँगा डेटा और यहाँ बेसिकली मुझे भेजना है डेटा इज इक्वल टू डेटा ठीक है सो सेम ही बात पड़ी अभी भी मिल गया डेटा क्या हुआ ऐप से मैंने होम को भेजा होम से मैंने रो को भेजा रो में आ गया अब इसके अलावा एक और कॉम्पोन था ऐसे कार्ड जैसे कि उस एग्जाम्पल में था मैं उसके अंदर भी भेजता तो वही हमारी साइकिल रिपीट हो गई जो कि हमें नहीं करनी है इनसेड सैड वट वी कैन डू वी कैन यूज़ यूज़ कॉन्टैक्ट सो उसके लिए मैं आता हूँ बिल्कुल बाहर एप डॉट सी एस एस के अंदर एप डॉट जी एस के अंदर सो इम्पोर्ट समथिंग फ्राम रिएक्ट और क्या चीज़ होने वाली है वो क्रिएट कॉन्टैक्स बेसिकली एंड नाउ मुझे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है एक राइट सो सिम्पली मैं कह दूँगा कस्टम कॉन्टैक्सट ठीक है या फे कॉन्टैक्स ही रख देता नाम इज़ गल टू क्रिएट कॉन्टैक्स ये हमने बना लिया अब इस कॉन्टैक्स से हमें रैप करना है बेसिकली इसको सो so, इसको कट करो मैं लिखूँगा कॉन्टैक्स डॉट लाऊँगा यहाँ दिखेगा कंज्यूमर प्रोवाइडर प्रोवाइडर चूज करना है एंड ये हमने बना लिया प्रोवाइडर इसके अंदर ये पेस्ट सो so, ये हमने बना लिया ठीक है अब इसके अंदर जो मैं डेटा भेज रहा था मैं भेजूँगा वैल्यू वैल्यू मुझे अभी अभी भेजनी है ठीक है सो so, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ मैंने इस प्रोवाइडर में भेजिए डायरेक्ट वैल्यू अब मैं वापस चलता हूँ होम में सो so, होम के अंदर ये जो रो है मैं डायरेक्ट इसमें ले लूँगा डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू एक्सेस कर लूँगा कहाँ से ये जो हमने प्रोवाइडर क्रिएट किया है इसमें से इस कॉन्टेक्स्ट में से सो so, एक तो ये हमें एक्सपोर्ट भी करना है सो फॉर दैट एक्सपोर्ट एंड यहाँ लिख दूँगा मैं कॉन्टेक्स्ट और एरर आएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है इस फंक्शन के अंदर बनाया है so, सो हमें बाहर बनाना पड़ेगा इसके सेव बना दिया अब ये मत बोलना कि मैंने तो कहा था जितने भी हुक से सारे फंक्शन कॉम्पोनेंट के अंदर बनते हैं क्योंकि ये हुक नहीं है इसमें कहीं यूज़ नहीं लिखा हुआ यूज़ जितने भी हुक्स हैं सारे सबके आगे यूज़ लिखा हुआ होगा राइट ये तो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है अभी एंड मैं चाहूँगा यहाँ भी इतना मैसी ना करो इसे क्लीन रखो कॉन्टैक्स हटा दो ऐसे और ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ करी थी इसकी बजाय इंडेक्स में प्रीफर करता हूँ मैं सब करना सो so, इम्पोर्ट करेंगे अभी हम रिएक्ट से ऊपर यहीं से कर लेंगे इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स एंजोमिया कर रहे थे वहाँ कर रहे थे यहीं करेंगे कॉन्टैक्ट कैपिटल सी कर देता हूँ मैं रीडबल बनेगा इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्सट एनि से एक्सपोर्ट भी कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट और ये जो ऐप है इसको रैप कर देंगे अगेन हम किस में कॉन्टैक्ट डॉट प्रोवाइडर में सेव कोई बड़ी डील नहीं है अब चलते हैं होम में सो ये जो हम डेटा की चेन रहे हैं अभी इसे ख़त्म कर सकते हैं हम ऐसे करके भेजने ही नहीं डेटा हम यहाँ भी नहीं भेजना यहाँ यूज़ करना बट यहाँ से नहीं करेंगे हम क्या करेंगे एक तो ऊपर पहले यूज़ करेंगे अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट को ये है बेसिकली यूज़ लिखा हुआ है एंड अभी तुमने देखा था जब हम प्रोवाइड यूज़ कर रहे थे तो उसके नीचे कंज्यूमर भी था बेसिकली कंज्यूमर की नीड को भगा दिया इस कॉन्टेक्स ने तो so, ये अच्छा हो गया यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सिंपली कॉन्स्ट मैं लिखूँगा डेटा इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स से राइट right. कॉन्टेक्स्ट from डॉ slash इंडेक्स ये हमने कॉन्टेक्स्ट लिया और ये पास कर दिया यहाँ पे, सो so, अब मैं सेव करके कर दिखाऊँ और ये डेटा जो है ये हमने यहाँ वापस यूज़ कर लिया सो so, अब मैं कंसोल ओपन करके कर दिखाऊँगा इस डेटा को देखो क्या आएगा रिफ्रेश किया ओके okay, हमने शायद वैल्यू पास नहीं की ऐप में कर दी थी इंडेक्स में करना भूल हाँ वैल्यू पास नहीं है, सो so, वैल्यू जैसे कि मैंने बताया था मैंने देना था अभी जो कि हम पास कर रहे थे ऐप में ऐप से होम में ऐसे करके सो वैल्यू पास की अभी और ये वैल्यू डेटा को मिल चुकी होगी रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखो अभी आ चुका है और ऐसे हमने पास कर ली सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ यूजिंग यूज़ कॉन्टेक्स ना तुम्हें लग रहा हुआ इतना सा इतना ज्यादा झंझट इतने से कम को लेना इतना सा काम नहीं बहुत बड़ी हेल्प मिली है इससे अभी तो एक ही फाइल में दिख रहा था मैं अलग अलग फाइल में होता तब देखते और दो तीन कॉम्पोनेंट और डेप्थ में होता होम के अंदर रो है रॉ के अंदर दूसरा कार्ड कॉम्पोनेंट कार्ड के अंदर दूसरा और कॉम्पोनेंट सो so, वहाँ पर भी हम सिर्फ ये लाइन लिखते और सीधा एक्सेस कर लेते तो दैट द पावर ऑफ यूज़ कॉन्टैक्स ना ये तो भी छोटे स्केल पर है बहुत बड़ा स्केल होता है सो so, हमारे पास उसके लिए अलग लाइब्रेरीज हैं जो कि है रीडक्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड इवन बेटर रीडक्स टूल किट सो उस पर भी मैं वैसे मैंने वीडियो बनाई थी बट डोंट वरी इस प्लेलिस्ट में भी कवर करेंगे उसको सो डोंट वरी अबाउट दैट अब एक हुक और देख लेते हैं यूज रेफ हुक बेसिकली सो so, मैं यहीं दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट के यूज रेफ बिना मैं कन्फ्यूज करे सीधा इसका यूज बताता हूँ क्या है यूज रेफ का यूज कैसे करेंगे मैं लिखूँगा मुझे बेसिकली ये एक्सेस करना है सो वट आई कैन डू कौन्स्ट कस्टम एलिमेंट लिख देते हैं एलिमेंट कुछ भी नाम दे सकते हो इज इक्वल टू यूजर एफ वल पासिंग कुछ भी नल पास कर दो खाली छोड़ दो एंड उसके बाद इस डिप में बेसिकली मैं रेफरेंस जब देना होगा रेफरेंस और ये हम अपना कस्टम एलिमेंट पास कर देंगे एज इट इज़ सो वॉट इट विल डू अगर मैं कर दो कौनसोल रोड लॉग कस्टम एलिमेंट देखो क्या आएगा ये देखो करंट और नल नल क्यों आया है क्योंकि सीधा प्रिंट हो गया तब तक इसको रेफरेंस नहीं मिला था सो फॉर दैट आई विल पुट दिस इनसाइड यूज़ इफेक्ट उससे क्या basically, mount होगा बेसिकली पहले माउंट होगा कॉम्पोनेंट और रेफरेंस मिल चुका होगा उसके बाद ये फंक्शन में होगा रिमेंबर मैंने बताया पहले माउंट होता है उसके बाद फंक्शन चलता है सो so, उसके बाद कौन सॉलो होगा रिफ्रेश करते हैं देखो आ गया इस करंट के अंदर मैंने मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि एग्जैक्टली exactly डिव है सो so, अगर मैं यहाँ प्रिंट ही करूँ डॉट करंट सो so, मुझे बेसिकली डिव मिल जाएगा सो so, ये मुझे डिप कॉम्पोनेंट ही मिल गया ये एंड यही सबसे अच्छा यूज है यूज़ रेफ हुक का कि हम अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सो दीज आर द ऑल बेसिक हुक्स यू नीड एज अ बिगिनर अभी जितना डीप में जाओगे उतना कन्फ्यूज हो गया सो so, इतना इनफ है एंड आगे चल के जब बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तब उनका यूज पड़ेगा वो भी रेयर केसेस में इनिशियली दीज आर मोर देन इनफ सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो में बिक थम सब थैंक्स फॉर वॉचिंग My name is Abhishek Singh over and out. And yeah, you can follow me on Instagram.